साथ हमारे YouTube चैनल लाइफ साइट विजिट में। आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर 123 ग्रेटर मोहाली में। अगर कनेक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे जो आपका एयरपोर्ट रोड है वो हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस में रहने वाला है। यहाँ से न्यू चंडीगढ़, PGI, मोहाली, चंडीगढ़ सारा कुछ नियर बाय रहने वाला है। तो गाइस, जिस घर में आज हम आए हैं उसका साइज़ 118 गज रहने वाला है। प्लॉट साइज़ की बात करें तो 23.5x45 इसका प्लॉट साइज़ रहने वाला है। घर की जो फेसिंग रहेगी, पार्क फेसिंग में ये घर रहने वाला है। और बाहर के इंटरनल रोड्स की बात करें तो 40 फीट यहाँ की इंटरनल रोड्स आ जाती हैं। तो गाइस, मैं अभी घर के बाहर खड़ी हूँ। ये घर का बाहर का आउटर एलिवेशन आ जाता है। काफ़ी सुंदर घर का एलिवेशन रहने वाला है। बाहर आपको प्रॉपर एलिवेशन, जो हमने जो ग्रिलिंग कर रखी है वो आयरन की रहने वाली है। और टाइल वर्क काफ़ी सुंदर कर रखा है, देख सकते हो आप। काफ़ी सुंदर टाइल वर्क हमने कर रखा है। आयरन का हमारा गेट रहने वाला है। साथ ही आपकी वॉल रहने वाली, प्रवेशी के लिए वॉल आ जाती है। घर के बाहर हमारे घर की दो गाड़ियां आ जाती हैं, कार पार्किंग। आप दो गाड़ियां आपकी बाहर रहने वाली है और दो ही हमारे घर के अंदर रहने वाली है। ये हमारे घर का एंट्री गेट आ जाता है। चलो चलते हैं विला के अंदर। तो गाइस, आगे हम घर के अंदर एंटर करते हैं। हमारे घर के अंदर जो पार्किंग रहने वाली, दो गाड़ियों की हम यहाँ पे पार्किंग दे रहे हैं। एक तो आपके लेफ्ट साइड आ जाती है और एक रहेगी आपके राइट साइड। ये हमारे घर की कार पार्किंग रहने वाली है। दो गाड़ियों की पार्किंग हम अंदर दे रहे हैं और दो घर की बाहर दे रहे हैं आप। तो गाइस, ये तो था हमारे घर का कार पार्किंग एरिया। अगर हम वॉल की बात करते हैं तो काफ़ी सुंदर टाइल वर्क यहाँ पे कर रखा है वॉल पे। साथ में इसके एक लाइटिंग दे रखी है। लाइटिंग के साथ ही हमने एक विंडो दे रखी है जो अपने किचन के साथ अटैच रहने वाली है। घर के अंदर ही आपको एक हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक दे रहे हैं जिसका साइज रहेगा 3000 लीटर। 3000 साइज का ये वाटर टैंक हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो चलो चलते हैं घर की ओर। एंटर करते ही हमारा काफी सुंदर सा, हमने एक ग्लास वर्क यहाँ पे कर रखा है। आप देख सकते हो काफी सुंदर डिजाइनिंग हमने यहाँ पे कर रखी है। और ये आ जाता है हमारे 8 फीट का डोर रहने वाला है। स्मार्ट लॉक हमने इसमें दे रखा है। तो गाइस, आगे हम विला के अंदर एंटर करते ही हमारा ड्रॉइंग कम डाइनिंग एरिया आ गया है। अगर इसके साइज की बात करें, 23.5x10 का आपका ड्रॉइंग कम डाइनिंग एरिया रहने वाला है। इसके साथ ही हम आपके सामने वॉलपेपर दे रहे हैं। काफी सुंदर आपका वॉलपेपर रहने वाला है। ऊपर आपकी प्रॉपर फॉल सीलिंग रहने वाली है LED लाइट्स के साथ। काफी सुंदर लाइटिंग लगा रखी है, आप देख सकते हो। और इसके साथ ही अगर स्विचेस की बात करें, गोल्ड मेडल के हम यहाँ पे आपको स्विचेस दे रहे हैं। राइट, आप यहाँ से अपने घर के लाइटिंग ऑपरेट कर सकते हो। इसके साथ ही आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये आपका डाइनिंग एरिया रहने वाला है। और ये आपकी LCD पैनल आगे, लाइक आप यहाँ पे अपनी LCD इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा किचन एरिया आ जाता है। अगर किचन के साइज की बात करें, 10x10 का काफी स्पेशियस किचन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे आपके किचन की बात करें तो वेट एरिया और ड्राई एरिया दोनों हमने सेपरेट कर दिए। लाइक आप यहाँ पे खाना वगैरह बनाना चाहते हो तो आपका एरिया अलग रहेगा। अगर आपने बर्तन वगैरह वॉश करने, उसका एरिया अलग रहेगा। अगर फिटिंग की बात करें तो सारी फिटिंग है जो आपकी, वो सॉफ्ट क्लोजर रहने वाली है। हाइड्रोलिक फिटिंग्स आपकी रहने वाली है, आप देख सकते हैं। काफी सुंदर यहाँ पे हमने फिटिंग्स कर रखी है। इसके साथ ही हमारी ये आ जाती है विंडो टाइप, हमने लगा रखी है आपकी एलिवेशन के लिए। लगा लो यहाँ, काफी सुंदर विंडो आ गई आपकी, हवा के लिए, एयर के लिए विंडोज आ जाती है। ऊपर आपकी फॉल्स सीलिंग आ जाएगी और साथ ही आपको चिमनी का पॉइंट भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। आप फिटिंग देख सकते हो हमारी, सारी सॉफ्ट क्लोजर फिटिंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और ये आपका आ जाता है वेट एरिया। अगर सिंक की बात करें, डबल बाउल सिंक रहने वाली है, साउंड प्रूफ रहने वाली है ये। और जैगुआर की हम यहाँ पे आपको फिटिंग्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारी आ जाती है पेंट्री एरिया। ये हमारी पेंट्री रहने वाली है। काफी सुंदर पेंट्री हमने यहाँ पे आपको दे रखी है। लाइक आप यहाँ पे किचन का कोई भी सामान रख सकते हैं, बॉक्सेस वगैरह आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी सुंदर है ये। तो था हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया और किचन एरिया। अब चलते हैं हम रूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। दैट इज आवर फर्स्ट बेडरूम जिसका साइज रहने वाला है 12x13। काफी स्पेशियस बेडरूम हम यहाँ पे दे रहे हैं। टाइल की बात करें, यहाँ पे हम स्पेंजा की टाइल्स दे रहे हैं। साइज जो रहने वाला है आपका 2x4 की हमने यहाँ पे टाइल यूज कर रखी है। साथ में हमने आपको काफी सुंदर वॉलपेपर दे रखा है। यहाँ पे ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है LED लाइट्स के साथ। ये आपके आ जाते हैं कपबोर्ड, आप देख सकते हैं। काफी सुंदर कपबोर्ड्स, अच्छी क्वालिटी के कपबोर्ड्स हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। फुल हाइटेड कपबोर्ड आपके रहने वाले हैं यहाँ पे। ये हमारा आ जाता है LCD पैनल, काफी सुंदर पैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम रहने वाला है आपका। 5x7 का आपका वॉशरूम रहने वाला है। फुल हाइटेड टाइल्स रहेंगी आपकी और जैगुआर की फिटिंग्स यहाँ पे रहने वाली है।
गाइस ये तो था अपना वॉशरूम, इसके साथ ही बैक साइड हमारा वॉशिंग एरिया रहने वाला है, लाइक अ वॉशिंग मशीन है, शाम को बैठना हो तो आप वहाँ पे बैठ सकते हो, वॉशिंग मशीन भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो गाइस चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, ये हमारा सेकंड बेडरूम रहने वाला है। इसका जो साइज रहने वाला है 12x13, इसका भी साइज रहने वाला है, इसमें भी सेम रहेगा, लाइक आप वॉलपेपर, आप काफी सुंदर वॉलपेपर दे सकते हो, हम वॉलपेपर दे रहे हैं आपको, एसी की प्रोविजन हम आपको करके दे रहे हैं। ये साथ में आपका आ जाता है वार्डरोब या आप कबोर्ड कह सकते हैं, स्लाइडर ये रहने वाले हैं, देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी के कबोर्ड हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ये आ जाते हैं आपके LED पैनल, लाइक LCD पैनल रहने वाले हैं, आप यहाँ पे अपनी LCD इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ फर्स्ट वाले बेडरूम के साथ भी आपकी जो वॉशिंग एरिया अटैच है, और इस रूम के सेकंड बेडरूम के साथ भी आपकी अटैचमेंट रहने वाली है यहाँ पे। इसके साथ ही हमारा वॉशरूम आ जाता है, ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है, देख सकते हो काफी सुंदर यहाँ पे हमने टाइल वर्क कर रखा है, फुल हाइट टाइल वर्क रहने वाला है यहाँ पे। और अगर साइज की बात करें 5x7 हमारा वॉशरूम का साइज रहने वाला है। ये तो था गाइस हमारा ग्राउंड फ्लोर, अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। तो गाइस चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की ओर। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, फ्रंट में आपकी बालकनी रहने वाली है, काफी स्पेशियस और सुंदर बालकनी यहाँ पे रहने वाली है। डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने आयरन वर्क कर रखा है, ग्रिलिंग कर रखी है, काफी सुंदर ग्रिलिंग रहने वाली है। इसके सामने ही हमारा एक ग्रीन पार्क भी रहने वाला है, ये काफी स्पेशियस हमारी बालकनी है जो 23.5 फुट की रहने वाली है। लाइटिंग वर्क हमने यहाँ पे कर रखा, टाइल वर्क काफी सुंदर है, अटैच एक विंडो भी यहाँ पे रहने वाली है, और यहाँ पे आप अपना ग्रीन प्लांटेशन वगैरह भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की फर्स्ट एंट्री की तरफ। ये हमारा एंट्री गेट रहने वाला है, 8 फुट का एंट्री गेट आपका रहने वाला है, काफी सुंदर गेट हमारा आ जाता है ये। तो गाइस आगे हम फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे भी आपका 2BHK रहने वाला है, 2BHK आपका नीचे था, 2BHK ही आपका ऊपर रहने वाला है। एंटर करते ही हमारा ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया और अटैच किचन आ जाती है। अगर साइज की बात करें तो सेम साइज का ये ऊपर वाला पोर्शन भी आपका रहने वाला है, 23.5x10 का आपका ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया रहने वाला है, और इसके साथ ही एक L शेप की आपकी किचन आ जाती है। ऊपर वाला लाइक फ्लोर से आप रेंट आउट पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। किचन की बात करें तो ये हमारी किचन आ जाती है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ ये किचन हमारी रहने वाली है, विद जैगुआर फिटिंग्स, जैगुआर की फिटिंग्स हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ऊपर हमारी फॉल्स सीलिंग, सेम फॉल्स सीलिंग हम दे रहे हैं, काफी सुंदर फॉल्स सीलिंग यहाँ पे रहने वाली है विद LED लाइट्स। किचन के साथ ही ऊपर हमने चिमनी का पॉइंट भी आपको दे रखा है, लाइक RO के लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट आपको दे रखा है। तो गाइज ये तो था हमारा किचन, किचन के साथ ही हमारा सामने डाइनिंग एरिया रहने वाला है, काफी स्पेशियस आप देख सकते हो, ये हमारा डाइनिंग एरिया रहने वाला है। इसके साथ ही जो हमने आपको LCD पैनल दे रखा है, यहाँ पे आप LCD पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमारा लिविंग एरिया आ जाता है, लाइक आप सोफा वगैरह आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर फॉल्स सीलिंग देख सकते हैं, काफी सुंदर फॉल्स सीलिंग कर रखी है। तो गाइस लिविंग एरिया के साथ ही हमने एक विंडो भी दे रखी है, आपको लिविंग एरिया के साथ ही एक विंडो रहने वाली है, आपकी वेंटिलेशन के लिए आपकी ये विंडो रहने वाली है, विद आयरन ग्रिल्स आ जाती है, आपकी ये ग्रिल्स रहने वाली है। तो चलते हैं गाइस रूम की तरफ, 2BHK आपका ऊपर भी रहने वाला है। तो गाइस चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, जिसका साइज रहने वाला है 12x13 का आपका इसका साइज रहने वाला है। वॉलपेपर हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, काफी सुंदर वॉलपेपर आप देख सकते हो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली से चेंज भी कर सकते हो। ये हमारे वार्डरोब आ जाते हैं, ये भी आपके सॉफ्ट क्लोजर रहने वाले, हाइड्रोलिक रहेंगे, फुल हाइटेड वार्डरोब हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ये आपका LCD पैनल आ जाते हैं, लाइक आप यहाँ पे LCD पैनल लगा सकते हैं, गोल्ड मेडल के यहाँ पे आपके स्विचेस रहने वाले हैं, और AC के पॉइंट्स हमने यहाँ पे भी दे रखे हैं, लाइक आपने बस क्या करना है AC लेकर आना है और यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो गाइस ऊपर हम आपको फॉल्स सीलिंग दे रहे हैं, काफी सुंदर फॉल्स सीलिंग, कलरफुल फॉल्स सीलिंग आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं, विद लाइटिंग के साथ कलरफुल लाइटिंग यहाँ पे रहने वाली है। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम रहने वाला है आपका, ये अपना वॉशरूम आ जाएगा, काफी स्पेशियस वॉशरूम है, 5x7 का स्टैंडर्ड साइज वॉशरूम यहाँ पे रहने वाला है, फुल हाइटेड इसकी टाइल रहने वाली है, और जैगुआर की यहाँ पे फिटिंग्स रहने वाली है। तो गाइस रूम के साथ
साथ ही एक अटैच बालकनी रहने वाली है। ये बालकनी जो है आपके सेकंड बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। तो चलो चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो गाइज आगे हम सेकंड बेडरूम की तरफ, सेकंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। ये जो इसकी साइज की बात करें तो 12x13 इसका साइज रहने वाला है। सामने आपके LCD पैनल आ जाते हैं विद गोल्ड मेडल की फिटिंग के साथ रहने वाले हैं। ये AC के पॉइंट हमने यहाँ पे दे रखे हैं। ये आपके कबोर्ड आ जाते हैं, फुल हाइटेड कबोर्ड आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। आप देख सकते हो फुल हाइटेड कबोर्ड यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, काफी सुंदर कबोर्ड्स आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये वॉलपेपर आ जाता है आपका, काफी सुंदर वॉलपेपर हमने दे रखा है यहाँ पे। ऊपर फॉल्स सीलिंग की बात करें तो काफी डिजाइनिंग की फॉल्स सीलिंग हमने यहाँ पे दे रखी है विद लाइटिंग के साथ। ये आपका वॉशरूम आ जाता है, इसके साथ ही अटैच वॉशरूम रहेगा आपका। 5x7 का ही यहाँ पे भी आपका वॉशरूम रहने वाला है और जैगुआर की फिटिंग रहेगी। फुल हाइटेड हमने यहाँ पे टाइल्स दे रखे विद LED लाइट्स। इसके रूम के साथ ही आपकी सेकंड बेडरूम की बालकनी है जो अटैच रहने वाली है। तो गाइज ये हमारा 118 गज का विला, मैंने लोकेशन का बताई है, 200 फुट रोड के पास ये रहने वाला है। अगर आपको ये विला पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ साइट विजिट। थैंक यू।